नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वर्तमान समय में गुजरात राज्य काफी चर्चा में है और इसके चर्चा में होने की मुख्य वजह है यहाँ होने वाला विधानसभा चुनाव। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार की बात की जाए तो वर्ष 2017 में 182 सीटों में से 92 सीटों पर भाजपा ने सरकार बनाया था। और सबसे खास बात यहाँ की यह है कि पिछले करीब 24 सालों से यहाँ पर भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में लोग अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भाजपा के 24 सालों का रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि इस बार हमें गुजरात में त्रिकोणीय चुनौती देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसा कि इसके पहले के चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होती थी, लेकिन इस बार इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। अब भाजपा के लिए यहाँ पर अपनी जीत को बरकरार रखना थोड़ी चुनौती भरी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही काफी उत्सुक है। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए बेकरार है। जैसा कि तीनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से हमेशा की तरह चेहरा रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जैसा कि भाजपा अभी तक जहां पर भी चुनाव जीती है, ऐसे में उसके मुख्य स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ही हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी बात की जाए तो आपकी तरफ से आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल यहां के स्टार प्रचारक हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल का एक बयान काफी चर्चा में था, जैसा कि इन्होंने कहा था कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए, जैसा कि इसको लेकर के ये काफी चर्चा में रहे थे। और इसके पीछे की मुख्य वजह थी कि गुजरात में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से इनके द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए थे। जैसा कि अब गुजरात में त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है तो ऐसे में यानी कि सीएम पद के लिए भी किसी न किसी को चुना होगा, तो आइए जानते हैं। जैसा कि भाजपा की तरफ से वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ही होंगे, क्योंकि जैसा कि देखा जाता है कि भाजपा जिस चेहरे को लेकर के विधानसभा चुनाव लड़ती है वही अगला सीएम होता है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में सीएम पद के प्रबल दावेदार जगदीश भाई मोती जी ठाकरे हैं। जैसा कि इनके साथ साथ और भी नेता हैं, लेकिन दावेदारी में पहले स्थान पर यही है। अब बात आती है आम आदमी पार्टी की। जैसा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी छाप छोड़ सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद के प्रबल दावेदार प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया हैं, जो कि सीएम पद के भी प्रबल दावेदार हैं। जैसा कि हर बार और हर विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ के विपक्ष का मुद्दा है किसान, बेरोजगारी और महंगाई। आपने अभी तक जितने भी विधानसभा के चुनाव देखे होंगे तो प्रायः लोगों के लिए मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी यही निकल करके सामने आती है। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बार यही मुद्दा रिपीट होता रहता है। जैसा कि वही बात की जाए भाजपा की तरफ से तो भाजपा की तरफ से राष्ट्र की सुरक्षा और देश का विकास जैसे मुद्दे, और इसके साथ साथ ये अपने द्वारा किए गए कामों को गिना रहे हैं। जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि यदि आपने किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव देखा होगा तो सरकारें 5 साल तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि चुनाव नज़दीक आते हैं तो ऐसे में विकास कार्य के लोकार्पण या अन्य प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलने लगती हैं। चुनाव को देख करके ही सरकारें वैकेंसी भी निकालती हैं, जिससे कि लोगों के अट्रैक्शन को अपनी तरफ कर लें। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।